फिर मैं उठकर जाने लगी, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले सुन। मैंने कहा जी। बोले क्या बोलेंगे? कह रहे एक बात तू याद रखना। मैंने कहा जी बोले। कह रहे ऐसा कोई काम नहीं करना जो हमारे घोष फैमिली में बदनाम हो। ठीक है, वो जो मेरे दिमाग में बैठ गया ना, मैं बहुत उसको सीरियसली। तो जो आपने ज्यादा बोल्ड सीन नहीं कराए, लिबास बड़े, या मैं लिबास भी बहुत सोच समझ के पहनती थी कि मुझे कोई मेरे ससुराल वाले ये ना कहे कि तुमने ये बलगट ड्रेस क्यों पहनी या इस तरह, क्योंकि वो मेरे दिमाग में जो बैठी थी ना, तो मैं उसी हिसाब से चलती थी। सही। कभी आपको ये लगा हो कि कामयाब होने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, और क्या मैं अगर बाजू पे कपड़े थोड़े इस तरह के पहनूं? नहीं, कभी नहीं सोचा। मैंने सोचा मैं अपने काम से आगे जाऊंगी, जो कैरेक्टर मिलेंगे वो कैरेक्टर करके मैंने आगे जाना। मैं ड्रेस इस तरह नंगी ड्रेस पहनूँ तो आगे नहीं जा सकती। अच्छा। मेरा काम पसंद करेंगे लोग, उनसे प्यार मिलेंगे तो मैं आगे जाऊंगी, ये मेरा सोच था। बिल्कुल सही। आपसे बहुत लोग प्यार करते हैं, और अभी आप जिक्र कर रही थे, हम लोग जिक्र कर रहे थे फैसल रहमान साहब का, जो आज पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा नाम है, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने काम किया और आपके साथ काम किया। हमें वो हमारे साथ है लाइव कॉल पे, और हम चाहेंगे कि आपकी उनसे बात कराई। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम फैसल, कैसे हो? कैसी? बिल्कुल खैरियत, आप ठीक हैं? तुम इतनी आवाज, मोटे आवाज से मुझसे बात ना करो, बहुत बड़े हो गए ना अभी। पहले जैसे था वैसे ही बात करो। जी बिल्कुल। हाँ, मैं आवाज बना के बोल रहे हो कि बहुत बड़ा हो गया, बहुत उम्र हो गया। तुम मेरे लिए वैसे की वैसे ही हो। जी बिल्कुल। मैं तो जब भी आपके, आप जब भी आती हैं, आपसे मुलाकात होती है, मुझे तो सारा अपना वो पुराना हमारा जमाना याद आ जाता है, फिल्मों का, इसलिए हमने फिल्में कच्ची की। और मुझे ये बड़ी फीलिंग, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पहली फिल्म आपके साथ मैंने की, और उसके बाद भी हमने कई फिल्में की, और मुझे हमेशा आपके साथ काम करने में इसी तरह फीलिंग मुझे मिलती थी जैसे मुझे एक मदरली फीलिंग आपसे हमेशा मिली है। और मुझे उन्होंने कहा है, अभी आपका तस्करा, मैं भी तुम्हें बेटा की तरह ही समझती थी जब काम जी। तो मुझे बहुत इस बात की हमेशा, अभी जब आप मुझे लास्ट ईयर भी मिली थी जब आई थी, तो मुझे हमेशा ये फीलिंग थी, सोचती थी कि ये बिल्कुल एक मदरली फीलिंग मुझे आपसे मिली है। और मैं आपसे, आपकी, आपसे मैं एक और बात कहूंगी, जिसमें अभी मैं आपकी बात सुन रहा था कि आपने कहा कि काम से आगे आपने अपने आप को बढ़ाया, तो आपको शायद याद नहीं होगा, आपने मुझे भी यही बताया था। आपने मुझे बड़ी मेंटोरिंग की अपने जमाने में, शायद आपको याद ना हो, कि आप मुझे कहती थी कि ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, अपना काम जो है उस पर ज्यादा ध्यान दो, अपने काम से आगे बढ़ो, और इधर उधर की पॉलिटिक्स और उससे कोई फायदा नहीं होता। और वही चीज आज तक मुझे आगे चलती है, जब तक लाइन में हो काम में ध्यान देके काम करना। अच्छा फैसल जी, आपको आपका फेवरेट सॉन्ग जो कि आपने शबनम साहिबा के साथ परफॉर्म किया हो, याद है? मेरा जी, मुझे तो बहुत पसंद है दूरियां का एक गाना है, बस एक तेरे सिवा। वो मैं अब YouTube पे भी बहुत देखता हूँ, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो गाना, और बड़ा अच्छा पिक्चर है। हमारी इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी उसके अंदर, अगर आपको अच्छा हो तो जरूर चलाएं वो। बिल्कुल हम चलाएंगे, और हमने अपने ट्रिब्यूट आज हम दे रहे हैं मुख्तलिफ गानों का मेडले, उसमें भी हमने उसको जरूर शामिल रखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फैसल। कितना ये जो है ना कि आपका सबके साथ रवैया एक जैसा रहा हमेशा, आपने कोई फर्क नहीं किया कि ये बड़ा स्टार है, ये नया है, ये आई नेवर डिड दिस। ये आप इतनी अच्छी कैसे थी, क्यों थी, इसका सीक्रेट क्या था? पता नहीं किस, मतलब कोई इंसान, कोई सीक्रेट नहीं होती, थोड़ा इंसान नुमा होता है, एक एक लोगों की नेचर होती है, एक एक टाइप की। तो मेरी नेचर ही ऐसी। गुस्सा कभी नहीं आया? गुस्सा आते थे तो पी लेते थे खुद ही, किसी को जाहिर नहीं करने, अगर गुस्सा करते तो कहते खराब है। कभी किसी को डांटा और झाड़ा हो? नहीं, कभी सेट पे भी किसी को कोशिश की समझाने की या कॉम्प्रोमाइज करके उसको? सही, ठीक है, डांटा नहीं, बिल्कुल सही। अच्छा एक और हमारे बड़े जबरदस्त हीरो जिनके साथ आपने परफॉर्म किया, यंगस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, गुलाम मुहिउद्दीन साहब, उन्होंने तो इज सो काइंड, उनको जब पता चला कि आप शो में आ रही हैं तो उनकी, उन्होंने रिकॉर्ड करवाए हैं अपने कमेंट्स आपके लिए, सो वो हम, और उनका खूबसूरत सा एक गाना भी जो उन्होंने आपके साथ परफॉर्म किया हुआ है, मुझे भी बहुत पसंद है, आप लोगों को भी याद आ जाएगा भी जब आप देखेंगे, सो उनके कमेंट्स सुनेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो हमारी बहुत सारी और बात जी।
और शबनम की खूबसूरत जो गाने हैं उनको आपके सामने सो ये कदमे दरा मोहम्मद अली जैसा, तो हमने इसको यहाँ पे डाले से थोड़ी सी प्रैक्टिस की। कैसा लग रहा है अभी? तुमने गा सक रहे थे वो गाने जो जैसे जितने खूबसूरत आप देखे में, अगर आपने मैडम आप क्या ग्रेस से परफॉर्म करती थी, आई मीन आपने कभी कोई स्टेप नहीं मारा डांस का। नहीं क्या है, जहाँ जरूरत होता है मैंने वहाँ क्या, क्योंकि मुझे याद है मैं दोस्ती में मैं शूटिंग करने गई, गाना चिट्ठी जरा से तो मैं तैयार हो रही थी, डायरेक्टर ने मुझे बुलाया कि तैयार है तो आ जाओ, मैं आ गई तो जाते ही को जो डांस मास्टर था वो गाना चला, उन्होंने शुरू कर दिया डांस। उन्होंने पता नहीं कि आगे पीछे हमने क्या सीन किया या किस तरह, ठीक है। जब उन्होंने गाना मुझे दिखाया तो डायरेक्टर ने कहा कि शबनम करो, मैंने कहा मैं नहीं करती। कह रहे क्यों, मैंने कहा वो शरीफ नैयर साहब बहुत बड़े डायरेक्टर थे, मैंने कहा नैयर भाई ये जो डांस मुझे दिखाया इतना ही उसका एक्शन मैं नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे इतना इनोसेंट लड़की दिखाया अपने इंडोर में जो सीन किया, उसके बाद ये मैं करूँगी लगेंगे कोई मुझे करने आई, मैं नहीं करती ऐसे डांस। अच्छा, कह रहा अच्छा फिर तुम करो खुद ही, मैंने कहा मैं खुद ही कर लूँ, और मैंने खुद ही किया। और वो इतना खूबसूरत चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिखे, मॉम का फेवरेट सॉन्ग है ये, मेरा भी है हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे, है ना, वो खुद मैंने किया। तो आप उसमें जो घूम रही हैं, हम रिहर्सल कर करके थक गए, हमसे लिपसिंग ही नहीं हो रही, लिपसिंग नहीं हो रही, ये क्या कह रहे हैं यार सिंगर, हम क्या कर रहे हैं अब, फिर भी हमने पूरी कोशिश की, अभी छोटे हो, फेल हो गए, अभी बच्चे हो, बच्चे फेल हो गए, लेकिन करते सीख जाओ, क्या कमाल गाने, थैंक यू सो मच। ये मोहम्मद अली साहब और शबनम के खूबसूरत गानों पे ये मेडले तैयार किया गया था जो फारिया ने और उस्मान ने आपके सामने प्रेजेंट, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और इससे पहले फारिया जो परफॉर्म करके गई है मेडले, वो मैडम नूर जहाँ के गाने जो कि शबनम जी पे पिक्चराइज किए गए थे उनके ऊपर मेडले बनाया था। सो अब हमने थैंक यू वेरी मच फारिया, वंडरफुल हैविंग यू। सो अब मैडम जैसे लड़कियों ने जब अकेले के लिए परफॉर्म किया तो तीन खूबसूरत हमने उनमें बल्कि चार आवाज़ें जो है सेलेक्ट की, जिसमें पहली था मैडम नूरजहां के जो गाने आपके ऊपर फिल्माए गए जो फारिया ने प्रेजेंट किए थे मेडले में, फिर दूसरे थे जो कि आपके ऊपर महनाज जी की आवाज़ में पिक्चराइज किए गए, महनाज और नैरा नूर की आवाज़ में, और ये निमरा ने साड़ी पहनी हुई थी उसने वो आपके लिए प्रेजेंट किए, और तीसरा रूना लैला की खूबसूरत आवाज़ जो कि आपके ऊपर थे, ये मायरा ने आपके जो आपके पास बैठी भी रही थी। आपको क्या लगता है इन तीनों चारों सिंगर्स में से किसकी आवाज़ आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जचती थी और आपको किसकी कौन सा गाना? मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा जच, सभी अच्छे सिंगर बड़े बड़े सिंगर अपनी जगह पे, मगर मुझे जो सूट करते थे वो महनाज और दोनों, क्योंकि मैं इतना चीखे नहीं ना आवाज डायलॉग्स बोलती थी, मैं जिस लेवल में बोलती हूँ मुझे गाना उस लेवल में। मैडम अगर एक डायलॉग आपकी आपका जो अंदाज था ना वो सबसे निराला था, सबसे अलग था, आपका एक ख़ास अंदाज था जिसे आप डायलॉग बोलती थी वो बड़ा, वो मुझे उस वक्त बिल्कुल उर्दू नहीं आती थी, थाम थाम के याद करके बोलती थी, शायद यही पसंद आए लोग, बहुत ज़्यादा पसंद आया, और वो अंदाज भी हमने रखा है अपने पास, है नहीं आपके पास चलाने के लिए, तो वो थोड़ा सा दिखा दें हमें ताकि हम उसके बारे में कुछ थोड़ी सी बात कर सकें। और वो तमाम दुख तुमने नहीं मैंने उठाए हैं, और इस नाते से उसकी के माँ और बाप दोनों मैं। क्या तुमने उसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? हाँ बताया है, बताया है कि तुम मर चुकी हो, और ये झूठ मैं सारी जिंदगी निभाऊंगा। थोड़ा सा आप सांस लेके बोलती थी वो एक, वो पता है फीलिंग्स लाने से उस सीन को सीन के मुताबिक जब फीलिंग्स लाती थी तो वो सांस फूल जाती थी। अच्छा वो उस ये नेचुरली हो रहा होता था ऐसे नेचुरली, मैं सीन को फील करके कहती थी ना। अच्छा। कि मैं अपने बेटे मियाँ से कह रही हूँ कि बेटे को ये नहीं बताया कि मैं जिंदा हूँ, तो एक फीलिंग्स लेके तो बोलना है ना, ये स्ट्रेट बोल दूँ फिर तो वो बात नहीं ना, बात नहीं है, ठीक है। अरे घर में जाहिर है फिर आप बंगला में ज़्यादा बात करते होंगे, तो घर में तो फिर ये अंदाज़ नहीं होता होगा। रॉबिन